उनकी कही बात उनको मुबारक। ये सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं है, न उनकी सरकार केंद्र में है, न प्रदेश में है, कुछ देने की हैसियत भी नहीं है। और वो जो भी दिए हैं सम्मान में वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद माने नहीं रखता, मेरे लिए विचार माने रखता है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और देश की महिलाओं, गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस पर जब भी कुठाराघात होगा मैं पलटवार जरूर करूंगा, करता भी रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। इसलिए अखिलेश जी की कही हुई बात उनको मुबारक। सर, आपके आपके द्वारा चर्चा है कि नई पार्टी की घोषणा हो सकती है, क्या कहेंगे? हमने सब कुछ अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है, जो भी उनका निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। सर कब कब का है, डेट क्या है, थोड़ा बता देंगे? इसी 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा और वहीं पर कार्यकर्ताओं के निर्णय के मुताबिक ही अगला फैसला भी सुनाया जाएगा। देखिए, आज जिस तरीके से अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जातिवार जनगणना की मांग को लेकर के सड़क पर निकलना चाहिए था, हम बंद कमरे में बैठे हुए हैं। आज बेरोजगारी बेताशा बढ़ी है, महंगाई से लोगों की कमर टूट रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, देश बेचा जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के सड़क पर निकलने के लिए हमने अनुरोध किया था, आज तक वो बातें सुनी नहीं गई हैं। और दूसरी चीज, संगठन में ही भेदभाव है। एक राष्ट्रीय महासचिव ऐसा भी है जिसका हर बयान निजी हो जाता है और दूसरा राष्ट्रीय महासचिव एक ऐसा भी है जिसका हर बयान निजी हो जाता है। तो मैंने देखा कि जब पद में ही भेदभाव है और मैं भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, तो ऐसे पद पर रहने का औचित्य क्या है? इसीलिए सारा विवरण का उल्लेख करते हुए मैंने 13 तारीख को अपने इस्तीफे के पत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं कदम आगे बढ़ा दिया हूं। अब कार्यकर्ता तय करेंगे कि हमें क्या करना है, जो निर्णय कार्यकर्ताओं का होगा वही निर्णय हमारा होगा। सर, क्या आपके साथ और भी समाजवादी पार्टी के नेता जैसे राम गोविंद चौधरी जी या पल्लवी पटेल जी भी आपके दल में शामिल होंगे? देखिए, मैं माननीय राम गोविंद चौधरी जी का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि वो बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताई कि पार्टी हित में क्या करना है, पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया। मुझसे दूरभाष पर भी बात हुई, व्यक्तिगत बैठक की बात हुई। पल्लवी जी ने भी अपनी बातें स्पष्ट कर दी और जो मुद्दे उठाए स्वाभाविक रूप से वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हित में रही हैं। तो इन दोनों का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं। रही बात आगे क्या होगा, ये 22 फरवरी के बाद